आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में लालटेन लेकर कांग्रेस खोज रही उम्मीदवार, 7 में से 3 सीटों के लिए नहीं मिल रहे मजबूत प्रत्याशी, हर बात में आंख दिखा रहे गठबंधन में शामिल दल, पहले झाविमो ने झुकाया फिर झामुमो ने, और अब राजद उसे ललकार रहा है। आजा सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कहलाने का गौरव हासिल करने वाली कांग्रेस ने झारखंड में झामुमो और झाविमो के साथ सीटों का तालमेल तो कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास कम से कम 3 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को चुनौती देने वाला उम्मीदवार फिलहाल मिल नहीं रहा है। भाजपा और आजसू के साथ कांग्रेस के सहयोगी दल झाविमो ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक इस बात का फैसला नहीं कर सकी है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। यहां तक कि झामुमो ने भी कमोबेश अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। राजद, जिसे कांग्रेस ने गठबंधन का हिस्सा बनाने की बात कही है, ने तो अपने 2 प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। इससे साफ पता चलता है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त करने के लिए कांग्रेस की रणनीति कैसी है। झारखंड कांग्रेस की इस स्थिति को राजनीतिक हलकों में अनिर्णय की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है और इसका चुनावों पर असर पड़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस की इस स्थिति पर आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। अंग्रेजी के महान नाटककार शेक्सपियर ने आज से करीब 300 साल पहले एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हेमलेट। इस नाटक को बाद में ट्रेजेडी ऑफ इनडिसिजन अर्थात अनिर्णय की पीड़ा कहा गया। दुनिया भर में चर्चित इस नाटक की पटकथा और पात्र हालांकि काल्पनिक थे, लेकिन आज 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में झारखंड के राजनीतिक पटल पर लगभग यही स्थिति देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के साथ है। झारखंड में संसदीय चुनाव की तैयारियों में जुटे तमाम राजनीतिक दलों में से कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला अब तक नहीं हो पाया है। हकीकत यह है कि कांग्रेस ने भाजपा को परास्त करने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की कवायद सबसे पहले शुरू की थी और सीटों के तालमेल के बारे में अनौपचारिक तौर पर फैसला भी काफी पहले कर लिया गया था। यह भी तय कर लिया गया था कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की कमान कांग्रेस के पास रहेगी और विधानसभा चुनाव में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चली जाएगी। इसके अनुरूप कांग्रेस ने राज्य की 14 में से 7 सीटें अपनी झोली में रखी, झामुमो को 4 और झाविमो को 2 सीटें दी गयी। 1 सीट उसने राजद के लिए छोड़ दी जबकि राजद इस गठबंधन का हिस्सा नहीं था। सीटों का तालमेल होने के बावजूद कांग्रेस आज तक अपने उम्मीदवारों की सूची को भी अंतिम रूप नहीं दे सकी है। झारखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन तो काफी पहले मांग लिए, लेकिन करीब 1.5 महीने बीतने के बाद भी 7 नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। झारखंड कांग्रेस के अंदर खाने से इस बात की चर्चा है कि उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में अभी कम से कम 1 सप्ताह का वक्त लगेगा। झारखंड की जिन 7 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है उनमें से कम 3 सीटों पर उसे मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। सूत्रों पर भरोसा करें तो कांग्रेस को खूंटी, हजारीबाग और धनबाद में उम्मीदवार चयन में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। भाजपा ने खूंटी से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, धनबाद से निवर्तमान सांसद पीएन सिंह और हजारीबाग से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा है। इन्हें टक्कर देने के लिए मजबूत उम्मीदवार चाहिए। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा अभी नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के पास केवल रांची, चाईबासा और चतरा में ही मजबूत उम्मीदवार हैं और इन्हें ही उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। इनमें रांची से सुबोध कांत सहाय, चाईबासा से गीता कोड़ा और चतरा से धीरज प्रसाद साहू शामिल हैं। ये तीनों पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे, हालांकि गीता कोड़ा उस समय कांग्रेस में नहीं थीं। इनके अलावा लोहरदगा के लिए कांग्रेस के भीतर कम से कम 3 नामों पर चर्चा हो रही है। इनमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव, डॉक्टर अरुण उरांव और विधायक सुखदेव भगत शामिल हैं। इनमें से केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत के सामने मजबूत चुनौती कौन पेश कर सकता है, ये अभी देखना बाकी है। खूंटी सीट के लिए कांग्रेस के भीतर प्रदीप बलमुशू के साथ साथ आधा दर्जन लोगों के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी के भीतर ही उनके नाम पर विरोध हो रहा है। उधर हजारीबाग के लिए कांग्रेस ने पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह को मैदान में उतारने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब विधायक मनोज यादव के अलावा गोपाल साहू और अंबा प्रसाद जैसे विकल्प ही कांग्रेस के पास मौजूद हैं। हजारीबाग में जयंत सिन्हा और भाकपा के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के साथ मुकाबले को तिकोना बनाने में ये उम्मीदवार कितने सफल होंगे, ये तो समय ही बताएगा। उधर धनबाद में पीएन सिंह और मासस के आनंद महतो के बीच कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो सकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तो मजबूत तैयार की, लेकिन प्रदेश में पार्टी संगठन की लगातार कमजोर होती ताकत और अपने स्टाइल में पार्टी चलाने की नीति ने कांग्रेस के अंदर खाने विवाद पैदा कर दिया है। कांग्रेस के लोग भी निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि संगठन की कमजोरी के कारण ही चुनाव मशीनरी इतनी धीमी गति से काम कर रही है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने और फिर तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने के बाद कांग्रेस के भीतर जिस उत्साह का संचार हुआ था वो बहुत अधिक दिनों तक टिक नहीं सका। राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये सब दूसरी पंक्ति के नेताओं की लगातार उपेक्षा के कारण हो रहा है। ये सच भी लगता है क्योंकि झारखंड कांग्रेस आज भी अंदरूनी गुटबाजी से अलग नहीं हो सकी है। इसके साथ ही दूसरी पंक्ति के नेताओं को कभी सामने लाने की कोशिश भी नहीं की गई। इस खामियाजा तो पार्टी को भुगतना ही होगा। संसदीय चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी का असर चुनाव तैयारियों पर पड़ना स्वाभाविक है। इससे उम्मीदवारों को संसाधन जुटाने और प्रचार के लिए कम समय मिल सकेगा। इसका सीधा असर कांग्रेस के घोषित उद्देश्य को हासिल करने अर्थात भाजपा को हराने के रास्ते पर पड़ेगा। इसकी चिंता शायद कांग्रेस नेतृत्व को नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि कांग्रेस को हर बात के लिए दिल्ली पर आश्रित होना पड़ रहा है और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और साउथ के राज्य हैं, जहां भाजपा उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला नहीं है। वहां भाजपा एक तरफ और महागठबंधन के घटक दल अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। कहीं पर कांग्रेस को विपक्षी दल सपा बसपा से टकराना पड़ रहा है तो कहीं वाम दलों से। जाहिर है जब कांग्रेस आलाकमान उसका हल निकाल लेगा तभी उसकी दृष्टि झारखंड पर पड़ेगी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।